समाजवादी पार्टी ने किया चौहान समाज की एक बड़ी बैठक। यह बैठक आज श्रीकांतपुर ग्रामीण स्टेडियम विधानसभा लालगढ़ आजमगढ़ के सिकरौड़ा में समाजवादी पार्टी जिला पंचायत सदस्य श्यामदेव चौहान ने चौहान समाज को संबोधित किए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर इस नियम का पालन भी किया गया। हम आपको बता दें कि चौहान समाज के लोगों ने इस बैठक में चौहान समाज के विधायक की मांग की। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष महिला सभा बबीता चौहान, सपा पूर्व विधायक बचई सरोज, सपा पूर्व प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान, सपा जिला सचिव हंसराज चौहान और भी कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर फोन पूर्व न्यूज पर सतीश चौहान के साथ। चौहान को आगे बढ़ाया, ये मैं आपको निवेदन के साथ स्वीकार कर रहा हूँ। इस बार अखिलेश यादव जी ने जरूर अगली बार एक चौहान का लोकसभा लड़ाए थे, आप लोग जानते हो, चंदौली में संजय चौहान भाई को लड़ाए थे। तो अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, उनके करनी और करते में कोई अंतर नहीं है। उनके रीत नीति से लैस होकर हमारे महेंद्र भैया बच्चा चौहान जी के आपकी बहन को यहाँ यादव की भी महिला जिला अध्यक्ष हो सकती थी, यहाँ और बिरादरी की महिला अध्यक्ष हो सकती थी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता जी की सोच थी कि यहाँ महिला चौहान बबीता चौहान हो। तो इसके बाद बहन को आपके बीच में आपकी बहन जी को पढ़ैया है ये बाप, हम जनली की आजादी मिलल बुनियादी लड़ैया है ये बाहो बुनियादी लड़ैया है ये बाहो बुनियादी लड़ैया। और गोरे मुगल चले गए, विदेशी आके छा गए, गोरे मुगल चले गए, अरे विदेशी आके छा गए, अब सारे तंत्र पर हावी हुए, सारे तंत्र पर हावी हुए सामाजिक बुरैया है ये बाहो सामाजिक बुरैया है ये बाहो सामाजिक बुरैया। सामने की हम लोग बटन दबाएंगे और पुनर जो हमारे आजमगढ़ के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हुए अपना हक अधिकार भी लेते हुए अपनी सभी आए हुए सभी लोगों का आदर से स्वागत अभिनंदन करते हुए समाज को जय हिंद जय समाज चौहान समाज देश का धर्म आप मानिए जहाँ भी हो, लेकिन एक धर्म आपका ये भी है कि इस देश में जो हो रहा है उस देश के लिए आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र है, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज राजा आपके वोट से पैदा होता है, तो आप कैसा राजा बना रहे हैं कि जो भाई हमारा सारा चीज प्राइवेट कर रहा है। समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से की गई हूँ और आज जो बैठक हुई है हमारे चौहान समाज भाई लोग बैठे थे, बड़ी अच्छी खासी बैठक हुई चली हम लोग की। हम लोग अपने कुछ सारी बातें हम लोग खुलकर अपनी बात रखे हैं और जहाँ तक हमारा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान पत्र आया है समाजवादी पार्टी लखनऊ द्वारा से, उसी आह्वान पत्र को बांटने के साथ साथ दिन रात में हम लोग चल रही हूँ मऊ बनिया गाजीपुर आजमगढ़ लेते के साथ मैंने प्रदेश में जहाँ जहाँ ज्यादा हम लोगों की आबादी है वहाँ हम लोग जा जाकर अपने चौहान भाई को समझा रही हूँ मिला रही हूँ। भाई हमारे समाज के आप लोग भाई हैं, हम लोग बैठवा समाज में आते हैं और जो ये भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार हम लोगों को कुछ देने वाली नहीं है। आप लोग आज मीटिंग में शपथ लीजिए कि 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है और सपा को 2022 में पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री।